सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर भूटान को पूरी मदद देगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच पनबिजली परियोजना समेत 10 क्षेत्रों में अहम करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड का किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर में घाटी के 17 टेलीफोन एक्सचेंजों में शुरू की गई 50,000 लैंडलाइन सेवा। जम्मू, सांबा और कठुआ समेत 5 जिलों में 2G इंटरनेट मोबाइल सेवा बहाल। कई थाना क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही हुई सामान्य। सोमवार से क्षेत्रवार खोले जाएंगे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान। रक्षा खरीद प्रक्रिया की समीक्षा के लिए होगा समिति का गठन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। हथियारों की खरीद में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए समिति छह महीने में देगी सिफारिशें। राजस्थान और पंजाब समेत 4 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। भूस्खलन की वजह से हिमाचल प्रदेश में रोहतांग मनाली मार्ग बाधित। बाढ़ प्रभावित राज्यों में मरने वालों की तादाद 250 के पार। राहत और बचाव के कामों में जुटी एजेंसियां। और दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। चयन समिति ने किया राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और पूनम यादव समेत 19 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से होंगे सम्मानित। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए 3 नामों का चयन।